हेलो फ्रेंड्स तो आज हमारा टॉपिक है पेंक्रियास हमने पिछले टॉपिक में पैराथैराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा था तो आज हम पेंक्रियास के बारे में पढ़ेंगे इट इज़ अ मिक्स्ड ग्लैंड ये एक मिक्स्ड ग्लैंड होता है मिक्स्ड ग्लैंड से क्या मुराद है कि ये एक्जोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है मतलब ये दोनों तो तरह से फंक्शन करता है एक्सोक्राइन पार्ट इज मेड अप ऑफ एसनाई इसका जो एक्जोक्राइन पार्ट है वो एस से बना हुआ होता है विच सिक्रीट पेंक्रियाटिक जूस जो कि पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है इन टू द डिडिनम डिडीनम के अंदर या स्मॉल इंटस्टाइन के अंदर जो कि एक डाइजेस्टिव जूस होता है जिसमें इंजाम होते हैं तो ऐस एस, एस क्या करते हैं पेंक्राटिक जूस को पेंक्रियाटिक डक्ट में रिलीज़ करते हैं और पेंक्रियाटिक डक्ट उसको फिर ड्यूटीम के अंदर रिलीज करते हैं अब जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो मेड अप ऑफ इज मेड अप ऑफ टिश्यूज कॉल्ड अपरह तो एंडोक्राइन पार्ट जो होता है पेंक्रियाज का वो एक स्पेशल टाइप के टिश्यू से बना हुआ होता है उसको कहते हैं आई ऑफ लेंगरहान उसको कहते हैं <coughs> सॉरी अब आई लीड्स ऑफ ऑफ सेल्स आई ऑफ़ में फिर तीन टाइप के सेल्स होते हैं सबसे पहला है बीटा सेल्स जो कि मोस्ट अबंडेंट सेल्स हैं तकरीबन आलमोस्ट सिक्सटी परसेंट जो सेल्स होते हैं वो बीटा सेल्स होते हैं आई ऑफ लंग्रहान में और इनका फंक्शन क्या है ये इंसुलिन सिक्रीट करते हैं दूसरा जो है अल्फ़ा सेल्स होते हैं जो के सिक्रियट्स करते हैं क्या ग्लूकेगान जो के तकरीबन पंद्रह से बीस परसेंट बीस तीस परसेंट तक होते हैं फिर उसके बाद डेल्टा सेल्स होते हैं वो सेक्रेट करते हैं सोमेटो स्टेटिन इसके अलावा एक और सेल होता है पी पी सेल जो कि बहुत कम क्वांटिटी में बहुत कम सेल्स होते हैं और वो रिलीज़ करते हैं एक पंक्रियाटिक पोलिपेप्टाइड जिसका फंक्शन अभी तक आ, मालूम नहीं हो सका कि उसका क्या फंक्शन होता है अब सबसे पहले इंसुलिन के बारे में पढ़ते हैं इंसुलिन क्या है सबसे पहले आप ये बात याद रखें कि इंसुलिन एक हार्मोन है और कौन सा हार्मोन है एनाबोलिक हार्मोन है एनाबोलिक हार्मोन का ये मतलब कि ये एनाबोलिज्म में इसका फंक्शन ज़्यादातर एनाबोलिज्म एनाबोलिज्म मीन्स स्मॉल मालिक्यूल्स को यह कंबाइन करके लार्ज और कंप्लेक्स मालिक्यूल्स बनाता है अच्छा इट इज़ मेड अपा फिफ्टी वन अमाइनो एसिड्स ये हार्मोन जितने भी होते हैं मोस्टली हार्मोन्स क्या होते हैं प्रोटीन्स होते हैं लेकिन कुछ हारमोनस हमारे पास प्रोटीन के अलावा स्टीराइड वगैरह भी हो सकते हैं लेकिन इंसुलिन कौन सा हार्मोन है एक तो पोलीपेपटाइड हार्मोन है या प्रोटीन हार्मोन है प्रोटीन से बना हुआ है इट इज़ मेड अप ऑफ 51 वन अमानो एसड्स ये 51 वन अमानो एसड से बना हुआ होता है जिसके अंदर इसके अंदर दो पोलीपेपटाइड चेन्स होते हैं एक अमानो एसिड थर्टी अमानो एसिड का चेन होता है एक चैन और दूसरा जो है ट्वेंटी वन एसिड का चेन होता है और ये दोनों चेन लिंक होते हैं बाई टू डाई सल्फाइड बाउंड के जरिए इंसुलिन इज़ अ लीनियर प्रोटीन ये एक लीनियर प्रोटीन होता है ठीक है इस तरह लीनियर एक लाइन में होता है, है? और दोनों पलपोक्टाइट चेन पैरेलल इसके इसके जो दो पोलपेक्टाइड चेन होते हैं वो पैरेलल रन कर रहे होते हैं तो ये एक लीनियर प्रोटीन है एंड इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आपने पढ़ा होगा कि चार टाइप के स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन थे प्राइमरी था सेकेंडरी था उसके बाद ट्रशरी था क्वार्टनरी था तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो था वो लीनियर होते थे और उसमें एक एग्जाम्पल क्या था इंसुलिन था इट इज़ रिलीज फ्राम बीटा सेल हम पढ़ चुके हैं ऊपर एलॉन्ग विथ एमाइलिन तो बीटा सेल से एक तो इंसुलिन रिलीज हो रहा है और साथ में एक और पोलोपेप्टाइड रिलीज़ हो रहा है जिसे हम कहते हैं एमाइलिन इमायलिन का फंक्शन भी फिर मैं बताता हूँ इमालिन का फंक्शन ये होता है कि ये इंसुलिन को इनहिबिट करता है जब इंसुलिन बहुत ज़्यादा मकदार में रिलीज होगा तो फिर अमायलिन नेगेटिव फीडबैक के थ्रू इंसुलिन को इनहिबिट करेगा अब आते हैं इंसुलिन इंसुलिन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबोलिज़म तो इंसुलिन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज़म में इसका फंक्शन नहीं होता बल्कि प्रोटीन्स एंड फैट मेटाबोलिज़म में भी इसका रोल होता है अब फंक्शन ऑफ़ इंसुलिन इंसुलिन के फंक्शन क्या हैं तो इंसुलिन का आप लोगों को सब लोगों को पता होता है कि इंसुलिन का एक फ़ंक्शन क्या होता है कि ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है तो ब्लड से ग्लूकोज को उठा के टिश्यूज़ में इंटर करवाता है मतलब जब भी हम फूड खाते हैं फूड जैसे ही फूड एब्ज़ार्व होता है ब्लड में तो फूड में क्या होता है ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है उस वक्त फिर इंसुलिन रिलीज होता है इंसुलिन उस एक्सेस एकसे, ग्लूकोज को ब्लड से उठा के टिश्यूज़ में इंटर करवाता है और टिश्यूज़ में उस ग्लूकोज़ में ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है और ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से फिर एनर्जी ऑप्टेन होता है जिसकी मदद से, से सेल सर्वाइव करते हैं और सेल्स की ग्रोथ और सेल डिवीजन वग़ैरह होती है तो ये किस तरह से सब होता है पहले क्या होगा इंसुलिन बाइंड करेगा विद इट्स रिसेप्टर अपने रिसेप्टर्स के साथ उसके रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं टिश्यूज़ के ऊपर सेल्स के ऊपर देखिए ये हमारे पास मैं आपको एक टिश्यू बना के देता हूँ ये फॉर एग्जांपल एक टिश्यू है उसके सेल्स हैं ठीक है बहुत सारे सेल्स हैं और हर टिश्यू के करीब से क्या गुजर रहे होते हैं आपको पता है ब्लड कैपलरीज अब ब्लड कैपलरीज़ में क्या प्रेजेंट है ग्लूकोस ग्लूकोस ब्लड कैपलरीज से निकल के यहाँ पर इस स्पेस में आएगा इस स्पेस को हम कह रहे थे इंटस्ट्रिशल स्पेस या एक्स्ट्रा सेलर फ्लूड में आ जाता है इसको एक्स्ट्रा सेलर फ्लूड भी कहते हैं यहाँ पर आ जाता है अब इस इंटरस्टेशल स्पेस से सेल के अंदर ग्लूकोज कैसे इंटर होगा वो इस तरह से कि यहाँ हर सेल के ऊपर इंसुलिन का रिसेप्टर होगा और इस तरह का रिसेप्टर नहीं होता ये मैंने सिंपल बनाया है इंसुलिन का रिसेप्टर आ, उसका अपना एक स्पेशल शेप होता है तो इंसुलिन फॉर एग्जांपल इस शेप का होता है इंसुलिन का रिसेप्टर तो पहले इस रिसेप्टर पे इंसुलिन बाइंड होगा जब इंसुलिन बाइंड होगा तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो ग्लूकोज तो इंसुलिन इंट्रा सिग्नल्स भेजेगा जब इंट्रा सिग्नल्स चले गए तो फिर वहाँ पर वज़ाइकल होते हैं इस तरह के वज़ाइकल्स होते हैं इसको मैं बड़ा ये वज़ाइकल को मैं बड़ा करके बना रहा हूँ इस तरह के होते हैं ये वजायकल है इसके ऊपर इस तरह के एक नहीं इस तरह के कई ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं इनको कहते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर तो ये वेज़ाइकल के अंदर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं वाइकल है वेज़ाकल के अंदर कई ग्लूकोज़ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं अब ये जो वज़ाइकल है ये कई होते हैं तो ये वहाँ सेल से जब इंसुलिन बाइंड हो गया रिसेप्टर पे तो ये ग्लूकोज वेजाइकल सेल से आके सेल मेम्ब्रेन के साथ ये बाइंड हो जाएंगे जब ये सेल मेम्ब्रेन के साथ ये वेज़ाइकल बाइंड हो गया तो ये ग्लूकोज़ जो बाहर पड़ा हुआ है वो ग्लूकोज़ ट्रांसपोर्टर्स के जरिए सेल के अंदर एंटर हो जाएगा और जैसे इंसुलिन यहाँ से डिटेच होगा ये जो जैकल्स थे ये वापस चले जाएंगे सेल्स के अंदर चटप्लाजम के अंदर तो इस तरह से इंसुलिन क्या कराएगा सेल्स के अंदर ग्लूकोज को इंटर करवाएगा ट्रांसपोर्ट करवाएगा तो वैन इंसुलिन दैन देर इज इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय स्केल्टल मसल्स एंड एटीपोज टीशू और ये जो ग्लूकोज फिजाइकल होते हैं ये स्पेशली एटीपोज ऐस में होते हैं या फिर स्केल्टल मसल्स में होते हैं क्योंकि स्केल्टल मसल्स में और एडिपोजूज में ग्लूकोज की इंट्री के लिए इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है तो ये दोनों स्केल्टल मसल और एडिपोज ेंसुलिन डिपेंडेंट टिश्यूज़ हैं जबकि बिकॉज आलमोस्ट ऑल अदर टिशूज ऑफ बॉडी इसके अलावा बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ होते हैं वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट होते हैं उनमें ग्लूकोज अपटेक इंसुलिन की मदद के बगैर होता है दैन दिस ग्लूकोज ये ग्लूकोज सेल में एंटर हो गया तो फिर इसमें क्या होगा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होगा अच्छा दूसरा जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होगा दूसरा जो फंक्शन है वो क्या है सेल मेम्ब्रेन के साथ जब इंसुलिन बैंड हो गया है तो फिर क्या होगा सेल मेम्ब्रेन बिकम्स मोर परमेबल टू मेनी ऑफ अमाइनो एसिड्स तो ग्लूकोज के साथ साथ बहुत सारे अमायनो एसिड्स के लिए भी सेल मेम्ब्रेन परमेबल हो जाता है और बहुत सारे अमायनो एसिड्स भी इंटर हो जाते हैं सेल के अंदर और ये अमानो एसिड सेल में कंबाइन होकर वापस क्या बनाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस तो एक फंक्शन क्या हुआ इंसुलिन का ग्लूकोज अपटेक बाय द टिश्यूज़ दूसरा फंक्शन क्या है अमाइनो एसिड अपटेक बाय द टिश्यूज़ टू फॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस उसके बाद जो एक्सेस ग्लूकोज है अब ग्लूकोज इंटर होता जाएगा टिश्यूज़ में जब टिश्यूज़ में एंटर हो रहा है वो ग्लूकोस इस्तेमाल होगा ग्लाइकोलाइसिस के लिए अब जो एक्सेस ग्लूकोस रह गया है वो ग्लूकोस फिर क्या होगा कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजन में स्केल्टल मसल के अंदर और लीवर के अंदर भी अब लीवर के अंदर भी ग्लूकोस जो एंटर होता है थोड़ी बहुत इंसुलिन की मदद से अब वो उस ग्लूकोस को लिवर के सेल्स इस्तेमाल करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के लिए जो एक्सेस ग्लूकोस होगा उसको वो कन्वर्ट करेंगे ग्लाइकोजन में और सेम तरीका होगा स्कैल्टल मसल में उसके बाद भी अगर फाइव टू सिक्स परसेंट ग्लूकोज जब फाइव टू सिक्स परसेंट तक ग्लाइकोजन बनता है लीवर के अंदर उसके बाद भी मजीद अगर ग्लूकोज होगा तो वो कन्वर्ट होगा फैटी एसिड्स और तो ट्राइग्लिसराइड में इफ़ स्टिल ग्लूकोज इज अवेलेबल देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड फैट्स व्हेन ग्लाइकोजन रीचेस अप टू फाइव टू सिक्स परसेंट इन लीवर सेल्स देन ग्लूकोस इज़ कन्वर्टेड इंटू पायरोट जैसे ग्लाकोलाइसिस के प्रोसेस में होता है देन एस्टाइल कोए उसके बाद एस्टाइल कोए में कन्वर्ट होता है पायरोट आपको पता है पैरोवेट की जब डी कार्बोक्सलेशन होती है तो वह स्टाइल कोए में कन्वर्ट होता है फिर स्टाइल कोए में आपको पता है क्रेब साइकिल का प्रोसेस होता है दैन इट अंडर गो क्रेब साइकिल रिजल्टिंग इन एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ और क्रेब साइकिल में आपको पता है स्ट्रेट और आइसोस्ट्रेट बनते हैं लेकिन जितनी क्रेब साइकिल हमें रिक्वायर्ड है इनर्जी प्रोडक्शन के लिए अगर उससे ज़्यादा क्रेब साइकिल होगा तो एक्सेस ऑफ सिट्रेट और आइसोसिट्रेट बनेगा और वो सिट्रेट और आइसोसिट्रेट फिर क्या होंगे कन्वर्ट होंगे किसमें में मेलोनाइल को ए में ये फर्स्ट स्टेप है फैटी एसिड सिंथेसिस का तो उसके बाद फिर फैटी एसिड्स बनेंगे और वो फैटी एसिड्स फिर ग्लाइसरोल के साथ मिलकर कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें ट्राई ग्लाइसराइड में ठीक है सिंथेसिस बाय बाई बाई जिस वक्से ग्लूकोस कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड विच आर देन फर्दर कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड वो फिर कन्वर्ट होंगे ठीक है तो जब एक्सेस ग्लूकोज होगा वो पहले कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजन में फिर मज़ीद अगर फाइव टू सिक्स परसेंट तक ग्लाइकोजन प्रोड्यूस हो गया है लेवर में फिर मजीद जो ग्लूकोज होगा वो कन्वर्ट होगा पहले फैटी एसिड्स में जिसका फर्स्ट स्टेप है मेलोनाइल को ए, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे फैटी एसिड कन्वर्ट हो जाएंगे ट्राइग्लिसराइड्स में वो ट्राइग्लिसराइड्स पर लिवर में भी स्टोर रहेंगे और वहाँ से निकल के ब्लड के थ्रू एडिपोज टिश्यूज़ में भी जाके स्टोर हो जाएंगे तो ये इंसुलिन के फंक्शंस होते हैं एक तो फैट फैट सेंथिस है प्रोटीन सेंथीसिस है और कार्बोहाइड्रेट्स कार्बो ग्लाइकोजेंथिसिस है और ग्लाइकोलाइसिस है ये इसके मेन फंक्शंस हैं अब इसके जब इसकी कमी होगी जब इंसुलिन ठीक से प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारे पास कौन सी डिजीज होती है डायबिटीज़ मिलाइटस उसके फिर टू टाइप्स हैं टाइप वन टाइप टू नेक्स्ट टॉपिक में हम उनके बारे में पढ़ेंगे उसके बाद फिर हम ग्लुकेगान के बारे में पढ़ेंगे कि उसके फंक्शंस क्या हैं